सहाफी सिरल अलमीटा को नवाज शरीफ का मुतनाज़ा इंटरव्यू के साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का कल लाहौर हाईकोर्ट में पेश होने का हतमी फैसला। कानूनी माहिरीन से मुशावरत के बाद फैसला किया गया। एडवोकेट नसीर अहमद भुट्टा नवाज शरीफ की जानिब से दलाइल देंगे। कौमी असेंबली में ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से नैब ऑफिस में नवाज शरीफ और फैमिली की मुलाकात। मुलाकात नवाज शरीफ की ख्वाहिश पर कराई गई। मुलाकात करने वालों में नुसरत शहबाज, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज और अब्बास शरीफ के बेटे शामिल। आइंदा के लाहे अमल पर तबादला ख्याल किया गया। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी, शरीफ खानदान ने सर जोड़ लिए। जाति उम्रा में अहम बैठक। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, सलमान शहबाज समेत खानदान के दीगर अफराद की शिरकत। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी के बाद पैना होने वाली सूरत हाल और आइंदा के लाहे अमल पर गुफ्तगू। कानूनी माहरीन से भी मुशावरत की गई। पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का हंगामे इजलास कल 11 बजे तलब कर दिया गया। नवाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। ऑपोजिशन जमातों को भी एतमाद में लेने का फैसला। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी, हिकमत अमली सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के इजलास में तय की जाएगी। इजलास की सदारत नवाज शरीफ करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक की लाहौर न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। आशियाना हाउसिंग स्कैंडल, तफ्तीशी टीम ने शहबाज शरीफ से पूछताछ नहीं की। शहबाज शरीफ की सुबह उठकर ताजा हवा में जाने की दरख्वास्त मुस्तरद। जराए ऑपोजिशन लीडर का नाम ईसीएल में शामिल किए जाने का भी इम्कान। कानून के तहत डीजी नैप उनका नाम ईसीएल में शामिल करने के लिए चेयरमैन नैप को खत लिख सकते हैं। एक भी करप्ट शख्स को नहीं छोड़ना, कोई एनआरओ नहीं होगा। करप्ट लोगों को पकड़ने का कौम से 22 साल पुराना वादा है। करप्ट सियासतदानों के साथियों का भी सुराग लगाया जा रहा है। करप्शन पर काबू पाए बगैर मुल्क कर्ज की दलदल से नहीं निकल सकता। वजीर आजम इमरान खान का सहाफियों से खिताब, बोले हजारों एकड़ जमीन कब्जा माफिया से वाकुजाह करवा चुके हैं। जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, पंजाब के वजीर आला उस्मान बुज़दार रहेंगे। तब्दीली ये है कि वजीर आला हाउस का 55 लाख का खर्च आज 5 लाख पर आ गया है। 2008 में मुल्क की कर्जा 6000 अरब अब 28000 अरब तक पहुंच गया। पावर सेक्टर का गर्दशी कर्जा 480 अरब से 1200 अरब हो गया है। बिजली महंगी ना की तो बिजली का कर्जा मजीद बढ़ जाएगा। गैस खसारे में कभी ना थी, अब 157 अरब खसारे में है। इमरान खान बोले हो सकता है IMF के पास जाना पड़े। शहबाज शरीफ को कल मैंडेला बने हुए देखा। जब भी कोई बड़ा पकड़ा जाए तो जमहूरियत खतरे में पड़ जाती है। जितना मर्जी शोर मचाएं या जमहूरियत खतरे में पड़े, किसी को नहीं छोड़ूंगा। अब आपने धरना देना है तो कंटेनर फराहम कर देता हूं। नैब आजाद इदारा है, हम भी वहां तलब किए जाते हैं। चेयरमैन नैब को हुकूमत हर तरह की मदद फराहम करने पर तैयार है। पीपल्स पार्टी और नून लीग की ऊपर से लड़ाई, अंदर से भाई भाई हैं। अगर नैब इमरान खान के मातहत होता तो अब तक 50 लोग जेल में होते। नैब चेयरमैन से कहूंगा उन्हें जैसी सपोर्ट चाहिए हम देने को तैयार हैं। इमरान खान का सहाफियों से खिताब। कौमी लीडर की गिरफ्तारी का मजाक बना दिया, ज्यादा देर नहीं चलने वाला। शहबाज शरीफ को साफ पानी केस में बुलवाया गया, जब कुछ न मिला तो आशियाना केस में गिरफ्तार कर लिया। शहबाज शरीफ ने ऐसे ठेकेदार का ठेका मंसूख किया जो नैप से प्ली बार्गेन करके रहा हो। शहबाज शरीफ ने मंसूबों से 23 अरब बचाकर नई तारीख रकम की। पंजाब असेंबली में ऑपोजिशन लीडर हमजा शहबाज का मोरी गेट में खिताब, कहते हैं इमरान नियाजी साहब आपने कौम का अपना असल चेहरा दिखा दिया। लोग इमरान खान के बुख़्स को जान चुके हैं, कौम आपसे तमाम मामलात का हिसाब लेगी।
वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का इजलास, बल्दियाती निज़ाम के नफाज और हाउसिंग प्रोग्राम पर एतमाद में लिया। वजीर आजम कहते हैं पुराने बल्दियाती निज़ाम में मौजूद खामियों को दूर करके नया निज़ाम लाएंगे, मकसद आवाम की फलाह व बहबूद और निचली सतह पर इक्तदार मुंतकिल करना है। निज़ाम में बेहतरी के लिए मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। वजीर आजम इमरान खान की सरकारी एराजी पर मौजूद कच्ची आबादियों को रेगुलराइज करने की हिदायत। बल्दियाती नुमाइंदों का मौजूदा बल्दियाती निज़ाम के दफा का फैसला, लॉर्ड मेयर मुबशिर जावेद ने बल्दियाती कन्वेंशन पंजाब कल तलब कर लिया। कर्नल रिटायर्ड मुबशिर जावेद कहते हैं मौजूदा निज़ाम को बचाने के लिए पुरअमन एहतजाज करेंगे। जोहर टाउन में कब्जा माफिया मंशा बम की गिरफ्तारी में मुदाखलत का मामला, रुकनी कौमी असम्बली करामत खोकर की वजीर आला हाउस तलबी, वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात, मामले में मुलव्वस होने पर सख्त कार्रवाई करने की हिदायत। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को वजाहत तलब करने का टास्क भी दिया। इमरान खान ने मुस्लिम लीग नून के बुर्जुल रख दिए, करप्ट नासिर जेल जा रहे हैं, आवाम का खून निचोड़ कर अरबोंपति बनने वालों का अंजाम करीब आ रहा है। 14 अक्टूबर को बदमाशी और करप्शन के दौर का खात्मा होगा, फिर नैप जाने और साद रफीक जाने। NA 131 में PTI उम्मीदवार हमायूं अख्तर खान का खिताब, बॉल्टन में PTI के सीनियर रहनुमा नासिर शाहिद लोधी ने हमायूं अख्तर के एजाज में नाश्ता भी दिया। इंतखाबात से कल नवाज शरीफ, ज़मीनी इलेक्शन से पहले शहबाज शरीफ को पकड़ा गया, बास लोग समझ बैठे हैं कि वो फैसले पर कादिर हैं, फैसले अल्लाह करता है। इमरान खान ने मुल्की अमूर पर तवज्जो के बजाय इंतकामी सियासत शुरू कर दी, झूठ इल्जाम लगाकर गिरफ्तार करना अहम इशू से तवज्जो हटाने का तरीका है। NA 131 से नून लीगी उम्मीदवार क्वार साद रफीक का डिफेंस में कॉर्नर मीटिंग से खिताब, बोले शेख रशीद को सोशल मीडिया के जरिए सलाम किया, उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। वजीर आजम इमरान खान ने तजावजात के खिलाफ मुहिम को सराहा, हमारा मकसद बड़े मगरमच्छों और कब्जा माफिया से शहर को निजात दिलाना है, आइंदा सरकारी एराजी पर कब्जा हुआ तो एंटी इंक्रोचमेंट सेल जिम्मेदार होगा, करामत खोकर ने कभी कब्जा ग्रुप की सरपरस्ती नहीं की। सूबाई वजीर हाउसिंग मियां महमूद रशीद की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं 10 अक्टूबर को 50 लाख घरों के हवाले से पॉलिसी का ऐलान किया जाएगा। ऑपोजिशन लीडर को बगैर इल्जाम गिरफ्तार करना कहां का इंसाफ है, ऐसे रवैये जमहूरियत को तबाह करते हैं, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की राय में कोई फर्क नहीं। साबिक वजीर आजम शाहिद हका नवासी NA 124 में लीगी उम्मीदवार का हबीबुल्ला रोड पर चेयरमैन UC 173 राना मोहम्मद अकरम के घर पर नाश्ता, कारकुनों को भरपूर मुहिम चलाने की अपील की। करप्शन की तहकीकात करने वाले इदारे आई हैं शहबाज शरीफ पर केसेस तहरीक इंसाफ ने नहीं बनाए, ये लोग जमहूरियत को अपनी जात और मफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं। सूबाई वजीर सनत मियां आसम इकबाल की गुलशन रावी में गुफ्तगू।